समीक्षा बैठक शुरू होने वाली है वामपंथी उग्रवाद पर एलडब्ल्यूई पर समीक्षा बैठक, नक्सल आतंक से मुक्ति मिलने की तैयारी, नक्सल मोर्चे पर शाह की हुंकार भर चुकी है। नक्सल मुद्दे पर आज रात 8 बजे भी बड़ी बैठक होगी और ये तस्वीरें देखिए सीधे तौर पर। इसके पहले चंपारण पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वहां उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की है। वल्लभाचार्य के मंदिर में पहुंचे थे, अंदर प्राकट्य हॉल था जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और अब शुरुआत हो रही है इस बैठक की। तो शाह का ये कार्यक्रम है जहां छत्तीसगढ़ पुलिस की रिव्यू मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो आज कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, कल रात पहुंचे। केंद्रीय गृह सचिव महोदय से ओपनिंग रिमार्क्स हेतु निवेदन है। सीधी तस्वीरें छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग राज्यों के तमाम डीजीपी सीएस मौजूद हैं और नक्सल आतंक से मुक्ति मिलने की तैयारी एक तरह से की जा रही है। तो दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसके पहले चंपारण पहुंचे थे, अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की अहम बैठक शुरू हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे स्वप्निल गौरखेड़े, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के हैं। स्वप्निल, पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम आपसे लगातार ले रहे हैं। इसके पहले चंपारण पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक, कौन कौन अब मौजूद है यहाँ पर, क्या तस्वीरें और कितने मिनट बाद शुरू होने वाली है बैठक? जी देखिए, अंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो है अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मेफेयर के कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद है और इस बैठक में खासतौर पर जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, जो 7 पड़ोसी राज्य हैं जो नक्सल अफेक्टेड राज्य हैं, उनके मुख्य सचिव और डीजीपी प्रमुख रूप से इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम डीजी भी इस बैठक में मौजूद हैं। नक्सल मोर्चे पर जो सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं और इस बैठक में विशेष रूप से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। चूंकि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है तो आपसी समन्वय के साथ किस तरह नक्सलवाद के नक्सल के मोर्चे पर आगे बढ़ा जाए इसको लेकर जो है मंथन किया जाएगा। और इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 जनवरी को जो है रायपुर पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने विधानसभा में एक बैठक ली थी और उसमें उन्होंने कुछ टास्क दिए थे तो उसको लेकर कितने काम किए गए हैं तो उसको लेकर भी एक रिव्यू आज की बैठक में किया जाएगा। और मुख्य रूप से एक ही एजेंडा है कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से जड़ से खत्म करना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया था कि अब बीजेपी की सरकार आने पर 3 सालों में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। तो अपने किए वादे को पूरा करने के लिए, चूंकि अब सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की बन चुकी है तो अपने वादे को पूरा करने के उद्देश्य से अमित शाह जो है काम करने जा रहे हैं तो इसको लेकर आज की बैठक में विशेष रूप से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर जो है रणनीति तैयार विशेष रूप से की जाएगी। तो रणनीति तैयार होगी और डीजीपी, और अगर हम बात करें सीएस की तो सबसे बड़े प्रदेश के, किसी भी प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, यानी कि डीजीपी आईपीएस के मुखिया, सीएस यानी कि आईएएस के मुखिया, और ऐसे में जब दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा और अलग अलग राज्यों की हम बात करें जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो या फिर मध्य प्रदेश, कई बार स्वप्निल ऐसा भी देखा गया है कि जो नक्सली होते हैं किसी भी राज्य में, चाहे वो छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में अगर कोई एक्शन लेने की तैयारी होती है तो वो भाग कर किसी और जो राज्य है वहां पर पलायन कर ले जाते हैं। तो ऐसे में अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय होगा तो कहीं ना कहीं मिलजुल कर एक तरह से इसको खात्मे की तैयारी, इसी उद्देश्य से ये बैठक हो रही है और पड़ोसी राज्यों के साथ साझा ऑपरेशन किया जाए, मिलकर किया जाए, इसको लेकर बैठक में जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे। क्योंकि पड़ोसी राज्य, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य जहां महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, इन तमाम राज्यों के मुख्य सचिव डीजीपी मौजूद हैं तो अब की बैठक में जो है आपसी तालमेल के साथ नक्सल मोर्चे पर किस तरह काम किया जाए, किस तरह नक्सलियों का सफाया किया जाए इसको लेकर कहीं ना कहीं बैठक में मंथन किया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलवाद को लेकर एक नई जो है
सरकार लाने जा रही है, तो ऐसा माहौल प्रदेश में बने ताकि नक्सली ज्यादा से ज्यादा सरेंडर कर सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं नक्सलवाद की जो पुनर्वास नीति है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अंतिम रूप आज की बैठक में दिया जाएगा। और बैठक का अगर मुख्य एजेंडे की अगर बात करें तो यही है कि पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल के साथ काम किया जाए और नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं बैठक में जो है चर्चा की जाएगी। जड़ से खत्म करने की तैयारी, उस पर रणनीति तैयार हो रही है, बने रहिए आप हमारे साथ स्वप्नल। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक शुरू हो रही है और शाह का भी कार्यक्रम जो है वो 3 दिवसीय है और छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तैयारियां हालांकि पहले से हो चुकी थी, चंपारण इसके पहले पहुंचे थे, बाकायदा उन्होंने वहां पूजा अर्चना की और अब नक्सलियों के खिलाफ शाह इंटरेस्ट कोऑर्डिनेशन की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। चंपारण से रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 3 दिवसीय दौरा है। माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल एमपीवी पूरी तरह से तैनात है, चप्पे चप्पे पर वो सुरक्षा हमने आपको दिखाई दी और कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश है अलग अलग राज्यों से, चाहे वो झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो या फिर उड़ीसा, इन राज्यों में नक्सल घटनाएं लगातार हो रही हैं और इन्हीं नक्सल घटनाओं को रोकने के लिए एक तरह से रणनीति तैयार हो रही है। और ये रणनीति, क्योंकि प्रदेश में जो भी काम होता है एक तरह से वो होता है विभागों के कोऑर्डिनेशन से, वो डीजीपी लेवल पर, सीएस लेवल पर, और ऐसे में तमाम ये जो मुखिया हैं वो इस वक्त, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब रायपुर में मौजूद है, देश भर की निगाहें आज लगी हुई हैं यहाँ पर। और हालांकि इसके पहले ट्विटर हैंडल से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट भी किया था, नक्सलवाद इसके पहले वो ही कहते हो रहे हैं कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है, तो एक्शन पूरी तरह से प्लानिंग तैयार हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन है, एक करोड़